सबरीमाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस विवाद को बड़े बेंच को सौंप दिया गया है, यानी अब इस मसले पर 7 जजों की बेंच सुनेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को 3:2 के अनुपात से बड़ी बेंच को सौंपा है और कोर्ट ने कहा है कि 28 सितंबर का फैसला अभी जारी रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि यहाँ पर सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहां पर ये लिया है कि 2 जजों की, और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि 2 आज मामले महत्वपूर्ण थे, जिसमें दूसरा मामला है रफाल पर। तो रफाल पर पुनर्विचार याचिका यहां पर खारिज हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को स्वीकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रफाल पर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी ने यहां पर माफी मंजूर की। मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर है, तो महत्वपूर्ण फैसला राहुल गांधी की माफी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। तो इस मामले पर सुनवाई जो थी, 2 महत्वपूर्ण मामले थे, एक सबरीमाला और दूसरा यहां पर रफाल। तो चौकीदार चोर है बयान पर राहुल ने मांगी थी माफी और मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रफाल पर पुनर्विचार जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। ममता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। ममता, क्या अपडेट है आपके पास? पाली, 2 बड़े मामलों पर तो फैसला आ गया है, सबरीमाला मंदिर मामले पर भी फैसला आ गया है। अब ये जो फैसला है वो आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर फैसला लेगी। बता दें कि जिस तरीके से सबरीमाला मंदिर का पिछला फैसला आया था कि महिलाओं की एंट्री उसमें करी जाएगी और 5 में से 4 जज उस फैसले पर अड़े थे, और लेकिन एक उनके अगेंस्ट था। लेकिन आज का अगर बात करें तो आज 3 रफाल पे भी एक बड़ा फैसला आया है, क्या उस पर कुछ अपडेट मिल पाया आपको? जी बिल्कुल, जो पुनर्विचार याचिका रफाल के अगेंस्ट दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो बड़ी जीत एक बार फिर से केंद्र सरकार की हुई है। इससे पहले भी जो दाखिल किया गया था मामला उस पर भी केंद्र सरकार को पिछली बार भी राहत मिली थी और इस बार भी यही फैसला सामने आ रखा है। जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी राफेल मामले को लेकर, इस बार फिर से उस पर केंद्र सरकार की जीत हुई है। एक बार फिर से उस मामले को खारिज कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से उस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था, कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उन्हीं सभी आरोपों को खारिज कर दिया। एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। ममता सही कह रहे हैं आप कि यहाँ पर एक बार फिर से एक बार चिताया भी है यहाँ पर कोर्ट ने राहुल को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो बात कही थी, इस बात को लेकर भी उन्होंने आगे भविष्य के लिए भी चिताया है राहुल गांधी को। बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी इस मामले को लेकर उठा रहे थे, अवमानना याचिका भी उनके खिलाफ दायर की गई थी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की तरफ से ये मामले को लगातार उठाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था अपनी रैलियों के दौरान कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसी तरीके से सामने आया है, उनके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी। और अभी आपको बता दें कि केंद्र सरकार को एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा जब जजों ने इस फैसले को सुनाया, पहले बार भी केंद्र सरकार के पक्ष में यह फैसला आया था और आज फिर से केंद्र सरकार के पक्ष में यह फैसला आया है। 5 जजों की पीठ ने इस फैसले को सुनाया है और 5 जजों की यही राय सामने आई है कि यह फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में है और सारी याचिकाओं को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सिरे से खारिज कर दिया है। दीपाली,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, और अगर वो कोई भी बयान दे रहा है तो वो सोच समझ कर दे, कुछ भी बयान देने से बचे। ये भी एक तरफ से कोर्ट ने जताया भी है यहाँ पर। और तो महत्वपूर्ण यहाँ पर दो मामले थे ममता, एक तो सबरी वाला मामला, लेकिन अभी फिलहाल वो जारी रहेगा। महिलाओं की एंट्री बड़ी बेंच अब रिव्यू पर फैसला करेगी, दूसरा ये रफाल पर भी। तो दो अहम ये फैसले थे। और इस बार ये भी बात यही थी कि सीजीआई, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, पहले उनके ये तमाम महत्वपूर्ण जो मामलों में से ये दो महत्वपूर्ण मामले आज ये भी थे, जिसमें आज लगभग स्थिति साफ हो चुकी है। वाली दोनों ही मामले बहुत बड़े थे और दोनों ही मामलों पर अब तक फैसला आ चुका है। जिस तरीके से सबरीमाला मंदिर पर आपने फैसला देखा कि अब बड़ी बेंच उस मसले पर फैसला अगली बार सुनाएगी, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से चार में से एक जज ने उस फैसले को सिरे से निकाल दिया था, लेकिन इस बार जिस तरीके का फैसला जब सुनाया गया तो तीन जज ही फैसले को लेकर सामने आए, लेकिन दो जज की तरफ से ये फैसला गलत बताया गया और अब ये फैसला आगे बढ़ गया है। सात जजों की अब इस फैसले को सुनाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ सबरीमाला मंदिर को लेकर कुछ भक्त, कुछ अयप्पा के भक्त यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर उनकी तरफ से खुशी जाहिर की गई थी कि ये फैसला अब आगे बढ़ गया है, इस फैसले पे स्टे लग गया है और क्या कहते हैं आगे ये फैसला सुनाया जाएगा और एक बड़ी बेंच उस फैसले को सुनाएगी, तो जाहिर है एक अच्छा फैसला सामने आएगा। कुछ महिलाएँ यहाँ पर मौजूद थी, अयप्पा की भक्त वो थी, उन्होंने कहा था कि जो पिछला फैसला सरकार की तरफ से दिया गया था कि महिलाएं एंट्री कर सकती हैं मंदिर में, उन्होंने कहा कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि महिलाएं 10 से 50 साल तक की वहां एंट्री करें। जब महिलाओं का ये कहना सामने आया था, जो अयप्पा की बड़ी भक्त हैं, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये मामला आस्था से जुड़ा फैसला है और इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने फैसला दिया था कि महिलाएं एंटर कर सकती है, लेकिन हम खुद नहीं चाहते हैं कि महिलाएं एंटर करें। वहीं अगर रफाल की बात करें तो केंद्र सरकार की एक बार फिर से जीत हुई है, ये फैसले एक बार फिर से केंद्र सरकार के पक्ष में आया है और सिरे से इस फैसले को जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उसे सिरे से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ममता, यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ राहत जरूर यहाँ पर मिली, क्योंकि जिस तरीके से मामला गरमाया था और जिस तरीके से लगातार उस दौरान जब चुनाव हो रहे थे और इस मामले को लेकर बार बार घेरा जा रहा था, ऐसे में सरकार ने ये भी कह दिया है कि कुछ भी बयान नहीं दिया जा सकता है और अवमाना का केस अब भी नहीं चलेगा। चोर पर राहुल गांधी की जो माफ़ी है वो मंजूर की गई है। राहुल गांधी ने बिना शर्त माफ़ी मांगी थी। रफेल सौदे की जाँच नहीं होगी, ये महत्वपूर्ण दो तीन बातें सामने निकलकर सामने आ रही है। पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है, माफी को मंजूर किया गया है, अवमानना का केस अब नहीं चलेगा राहुल पर, यह भी बात है। राफेल डील की जांच भी नहीं होगी। तो आपको महत्वपूर्ण बातें बताएं जो आज हुआ है कोर्ट में, क्योंकि सबसे पहले आपको राफेल के बारे में बताएं, यहाँ पर चोर वाले बयान पर राहुल गांधी की माफी मंजूर है, पुनर्विचार याचिका को खारिज किया गया है, अवमानना का केस नहीं चलेगा राहुल पर, ये बात यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। ममता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ममता, बहुत बार बार हम वही एक महत्वपूर्ण बातों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ये भी बात अब सामने आ रही है कि राफेल सौदे की अब जांच नहीं होगी, जिस मुद्दे को लेकर लगातार पूरे चुनाव भर यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरा गया, हर बार इस बात पर जो कांग्रेस थी वो घेरती आई, तमाम यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आए, बहुत बहसबाजी भी हुई, लेकिन अभी इस मामले में जो बात सामने आ रही है वो ये भी है कि इस मामले में अब राफेल सौदे की जांच भी नहीं होगी, कह सकते हैं अब ये भी मामला बंद हो गया। बिल्कुल, जिस तरीके से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई लगातार फैसले पर फैसले दे रहे हैं, कल भी दो बड़े फैसले और आज भी तीन बड़े फैसले, चीफ जस्टिस कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले वो इन बड़े फैसलों को पूरी तरीके से क्लियर करके निकल रहे हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा था कि दो बड़े फैसले सामने आए थे, आज फिर तीन बड़े फैसले सामने आए और जो दो फैसले लगातार आप देख रहे हैं, सबरीमाला मंदिर पर जो फैसला सामने आया, सात जजों की पीठ आगे बड़ी बेंच को ये ट्रांसफ़र दिया गया है। वहीं अगर रफाल की बात करें तो उसकी पुनर्विचार याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार को बड़ी जीत उसमें मिली है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा चुनाव में इस मसले को बुना गया था, अब इसे पूरी तरीके से बंद करने को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि रफाल सौदे में चोरी हुई है, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पर, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी जो भी मसले, जो भी पुनर्विचार याचिका में बयान दिए गए थे, जो भी फैसले पहली बेंच ने लिए थे, वही फैसला आज फिर से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर केंद्र सरकार को राहत भी मिली है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर केंद्र सरकार की इस बात को लेकर है, क्योंकि एक ही एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस लगातार घेर रही थी, और कई ऐसे फैक्ट्स भी आए थे जिसका जवाब भी यहाँ पर नहीं था। भले ही चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने बहुत बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बहुत अच्छे से जवाब नहीं दिया जा रहा था। तमाम यहाँ पर फैक्ट्स भी रखे गए थे, फिर उस पर जाँच हो रही थी, लेकिन अगर ये जाँच बंद हो जाती है तो कह सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार को सफलता तो नहीं लेकिन राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि ये केस बंद होता है तो जाहिर सी बात है अब सवाल जो तमाम उठाए जा रहे थे, जो फिर से उठ सकते थे, वो भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से आपने देखा था लोकसभा चुनाव में सिर्फ इसी मुद्दे को बुना जा रहा था, कहा जा रहा था कि रफाल मुद्दे पर मोदी केंद्र सरकार ने चोरी की है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, रैलियों में कहा जा रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो सुनवाई की थी उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार को उसमें भी राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर ये जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आए थे और लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं रैलियों के दौरान किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि चौकीदार चोर है, किनारे लगाए गए थे, तमाम चीज़ें कही गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की गई थी और उस पर भी आज सुनवाई हुई थी। और जिस तरीके से लगातार ये मामला बढ़ता गया था, विपक्ष के पास एक मुद्दा लगातार बैठे हुए इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आ जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और इस पर जांच आगे हो या फिर FIR दर्ज करने या जांच बिठाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पक्ष जो लगातार इस मामले को घेर रहा था, एक झटका है, लेकिन एक तरफ से राहत यह है कि अवमानना की जो बात कही जा रही थी राहुल गांधी पर, अवमानना का वो भी अब क्लियर हो गया है कि क्योंकि राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ममता, शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।